फ्रेंड्स, लेट्स लर्न डिफरेंसेस बिटवीन परचेज एंड बाय। परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, बाय का मतलब भी खरीदना होता है। परचेज फ्रेंड्स ओल्ड इंग्लिश में और ओल्ड टाइम में नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश जो यूके के लोग हैं जिनकी इंग्लिश मदर टंग है वो परचेज को यूज क्या करते थे, जैसे बिजनेस टर्म्स में फॉर्मल इंग्लिश में परचेज यूज किया करते थे, या फिर कोई चीजें महंगी खरीदना तो उसके लिए भी यूज क्या करते थे परचेज, जैसे आई परचेज लैंड, आई परचेज डायमंड, मैंने डायमंड खरीद लिया। और अगर वही ब्रेड खरीदने की बात होती थी तो यूज करते आई बॉट ब्रेड। लेकिन फ्रेंड मॉडर्न इंग्लिश में या आजकल की इंग्लिश में बाय कॉमन हो गया है, चाहे फॉर्मल इंग्लिश की बात करें या इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करें, लोग ज्यादातर बाय को यूज करते हैं, बाय को प्रीफर करते हैं। लेकिन अभी भी इंडियन इंग्लिश में कुछ लोग परचेज और बाय में डिफरेंस रखना चाहते हैं। परचेज कुछ लोग कुछ खरीदना बेचने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ लैंड, सेल एंड परचेज ऑफ फ्लैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।